सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अल्टीमेट टेक एंड गेमर्स। आज के वीडियो में दिखाने वाला हूँ कि आप फायर रेड गेम कैसे खेल सकते हैं। मेरी पिछली वीडियो में बहुत सारे कमेंट आए थे कि हमें फायर रेड की गेम देखनी है चैप्टर वन। और दोस्तों, मेरी कल की वीडियो होने वाली है कि आप HM कैसे ले सकते हैं कट, क्योंकि कल मुझे HM मिलेगा। उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब पर क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और दोस्तों, कमेंट करना मत भूलिएगा कि मैं अगली वीडियो किस पे बनाऊँ। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं इस गेम को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ क्योंकि असलियत में ये गेम बहुत बड़ी है और आपको इतना बड़ी गेम देखने का शौक नहीं होगा और बड़ी सी वीडियो का भी। तो मैं इस गेम को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो पहले आपको स्टार्टिंग में सिर्फ ए के ऊपर ही क्लिक करते रहना है। मैंने यहाँ पर अपना नाम वाम सब कुछ थोड़ा बहुत स्किप करके ये वीडियो बनाया है ताकि आपको ज़्यादा बोरिंग ना हो। मैंने यहाँ पर अपना गेम वाला नाम लिख दिया, अल्टीमेट। अब मैं फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ। अपोनेंट का नाम रखूँगा गैरी। तो देखिए दोस्तों, ये गेम स्टार्ट हो गए। अब मैं डायरेक्ट सीरियस से नीचे जाऊँगा, अपनी मॉम के साथ थोड़ी देर तक आप बात कर सकते हैं, वैसे तो कोई ज़रूरत नहीं। फिर आपको डायरेक्टली बाहर आके जंगल में जाना है, फिर आपको प्रोफेसर को अपनी लैब में ले जाएंगे। फिर देखिए बाजू में मेरे गैरी भी है। तो मैं यहाँ पर पहले पोकेबॉल चूज़ करता हूँ। मैं चुनूँगा चार्मेंडर क्योंकि स्टार्टअप के लिए वो बेस्ट होता है। आप चाहे तो बल्बासोर भी चुन सकते हैं क्योंकि आगे की जिम की वजह से वो बेस्ट रहेगा। फिर यहाँ पर प्रोफेसर के साथ बात करने के बाद आप बाहर की तरफ जाएंगे तो गैरी के साथ पहले आपके फाइट आएगी। ये यहाँ पर गाइड आपको सब कुछ सिखाएगा कि गेम कैसे खेलते हैं। तो आप पहले मैच तो हमेशा जीत जाएंगे। बहुत कम में ऐसा होता है कि आप अपने पहले मैच हार जाते हैं। तो देखिए, ये मैं जीत गया और मुझे गैरी ने थोड़े पैसे भी दिए। तो अब मैं प्रोफेसर से बात करूँगा, उनके लिए उनका पार्सल लेने के लिए हमें जाना है। तो अभी मैं पहले गैरी के बहन के साथ बात कर ले रहा हूँ क्योंकि वो हमें मैप दे रही है। तो ये मैप अभी देनी देंगी जब हम पार्सल लेके आएंगे और दूसरी बार गैरी को हराएंगे तब जाके ये शायद मैप देंगे। और आप वो मैप नहीं भी लेंगे तो भी चलेगा। अभी यहाँ पे जंगल में आप अपने पोकेमोन को बैटल करा के अपना लेवल अप कर सकते हैं, जिससे आपका पोकेमोन और स्ट्रॉन्गर और इवोल्यूशन हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर दूसरी सिटी में पहुँच गया हूँ। ये पोकेमोन सेंटर के अंदर मैंने अपना पोकेमोन रिवाइव कर दिया। अब हमें इस स्टोर में जाना है। तो देखिए, ये हमें यहाँ पर प्रोफेसर का पार्सल मिल गया है। अब हमें इस पार्सल को लेकर वापस प्रोफेसर के पास जाना है। तो मैं शॉर्टकट लेके जाऊंगा क्योंकि जंगली पोकेमोन बहुत ज़्यादा मिले। फिर भी हमें मिल गया रेटाटा, तो इसको हरा देता हूँ मैं। अब हमें जाना है प्रोफेसर के पास। तो दोस्तों देखिए, ये मैंने पार्सल दे दिया है। अब हमें यहाँ पर पोके डेक्स और पोके बॉल्स मिलेंगे। तो ये देखिए, गैरी भी आ गया है। तो यहाँ पर थोड़ी देर बात करने के बाद वो चला जाएगा। अब हमें भी यहाँ से चले जाना है। और दोस्तों, ये प्रोफेसर के असिस्टेंट है, ये हमें आगे जाके
जब हमें कट मिल जाएगा तब ये आगे जाके हमें वापस मिलेंगे। इनके पास से एक और पार्सल लेना है हमें, वो मैं आपको आगे अगले वीडियोस में दिखाऊंगा। अभी के लिए तो हमें बैटल करानी है। अभी हाल ही में हमें पोकेमोन मिल गए, पोके बॉस मिल गए, तो अब मैं उसे यूज़ करूँगा। तो ये देखें, मैं पोके बॉल यूज़ करता हूँ। तो ये देखें, मैंने पीजी पकड़ लिया है। इसी तरह से आपको सारे पोकेमोन रजिस्टर करने होते हैं। तो ये देखें, मैं अपने पोकेमोन्स दिखा दे रहा हूँ। मैं पीजी को आगे रखता हूँ ताकि उसका लेवल जल्दी से बढ़ सके। और दोस्तों ये देखिए, सामने अब रेड आता है। आप पोकेमोन स्टार्टिंग में रख के फिर चेंज भी कर सकते हैं, जिससे आपके दोनों पोकेमोन को एक्सपी डिवाइड करके मिलेगी, जिससे दोनों की एक्सपी धीमे धीमे तो बढ़ेगी लेकिन दोनों साथ में लेवल अप हो जाते हैं। तो अभी मैं पोकेमोन सेंटर में रिवाइव कर दिया है। और दोस्तों यहाँ पर आप सब लोगों से बात करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग ट्रेडिंग के अलावा बाकी सब भी दे रहे। तो मैं यहाँ पर स्लो मोशन करके दिखाता हूँ। ये अंकल आपको पोके बॉल थ्रो करना सिखाएंगे कि पोके बॉल थ्रो कैसे करते हैं और जंगली पोकेमोन कैसे पकड़ते हैं। ये अभी आपको हाल ही में इमेज के साथ सिखाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर स्लो मोशन कर दिया है ताकि आपको परफेक्टली पता चल सके। तो देखिए दोस्तों, ये वीडल है। यहाँ पर आपको बैग में जाना है, फिर यहाँ पर साइड वाले बटन के ऊपर क्लिक करते हुए पोके बॉल्स वाले बैग में जाना है। फिर आपको ए के ऊपर क्लिक करके वो पोके बॉल थ्रो करना है। दोस्तों ये ज़्यादातर उसी टाइम पर कीजिए जब पोकेमोन का ब्लड मैक्सिमम आपने कम कर दिया हो और उसे ज़्यादा कम नहीं कर सकते, तब आपको ये पोके बॉल फेंकना होता है। तो ये देखिए, यहाँ पर मुझे पोशन भी मिल गया है। और दोस्तों ये रूट है पोकेमोन्स के लिए, यहाँ पर अलग अलग तरीके के पोकेमोन्स मिलते हैं। ये रूट सीधा इंडिगो प्लेटेको को जाता है। यहाँ पर मैं बहुत सारे पोकेमोन पकड़ के उनका लेवल अप करने वाला हूँ हाल ही में, क्योंकि आज लेकिन आप चिंता मत करिए, मैं वीडियो को थोड़ा स्किप कर दूँगा क्योंकि यहाँ पर हमें वापस से गैरी मिलने वाला है, इसलिए हमें उसके साथ फाइट करनी होगी। इसलिए जितना हो सके उतने ज़्यादा पोकेमोन पकड़ के उनके लेवल अप कर कीजिएगा। तो ये देखिए, ये रेटाटा का ब्लड कम है। अब मैं उसके ऊपर पोके बॉल फेंकता हूँ। दोस्तों आप, अगर आपके पोके बॉल्स ख़त्म हो गए हैं तो आप उसे स्टोर में से बाय कर सकते हो। अगर ये आप नए प्लेयर हैं तो मैं बता देता हूँ, बाकी पुराने सभी लोगों को ये पता ही होता है कि पोकेमोन स्टोर में से आप पोके बॉल्स और बाकी सब चीज़ें, पोशन, एंटीडोट सब कुछ बाय कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये रहा मार्केट। यहाँ पर जाके मैं पोके बॉल्स बाय कर देता हूँ। मैं ज़्यादातर हर बार पूरे के पूरे पोके बॉल्स ही ले लेता हूँ, क्योंकि पोशन, एंटीडोट, बाकी सब तो ज़्यादातर हमें मिल ही जाता है। जंगली पोके बॉल्स जो जंगल के अंदर पड़े हुए रहते हैं बाहर खुले रोड में, उनके अंदर से आपको एंटीडोट, पैरालाइजिंग हील, पोशन और वो सब मिलते ही रहता है, इसलिए मैं पूरे के पूरे पोके बॉल्स ही ले लेता हूँ। और दोस्तों अगर आप ज़्यादातर घर के अंदर जाके बात करेंगे तो फिर भी आप ज़्यादातर फायदे में रहेंगे। मैं कम लेवल वाले पोकेमोन को आगे रखता हूँ ताकि उनका लेवल भी अप हो सके। अभी मैं यहाँ पर थोड़े से एक दो पोकेमोन और पकड़ूँगा और उनका लेवल अप करने के बाद मैं गैरी के साथ फाइट करूँगा। आप वीडियो स्किप मत करिएगा, क्योंकि इस वीडियो को मैंने स्किप पहले से ही कर दिया है, इसलिए आपको ज़्यादा बोलना होना पड़े, इसलिए मैं वीडियो को थोड़ा स्किप भी कर देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर मुझे फेयरो मिल गया है, मेरा मैंकी 7 लेवल का है। तो ये देखिए, मैंने फेयरो भी पकड़ लिया है, लेकिन मेरे पास पीजी है इसलिए मैं फेयरो को पीसी में ही रख दूँगा।
तो ये देखिए मेरे मैं की लो किक भी सीख गया है और स्क्रैच अटैक भी। तो अभी मैं आपको अपने पोकेमॉन दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए ज़्यादातर 7 लेवल के ऊपर ही है, सिर्फ रेटाटा 5वें लेवल का है, इसलिए उसका लेवल अब बढ़ाऊँगा। तो देखिए रेटाटा 6 लेवल का हो गया है। और दोस्तों आप यहाँ पर जितना ज़्यादा लेवल बढ़ा सके उतना अच्छा है, क्योंकि गैरी 2 9 लेवल के पोकेमॉन लेके आएगा, जो होगा पीजी और स्क्वाटल। तो देखिए ये मैंने मैके को हरा दिया। एक बार मेरा रेटाटा लेवल 7 के ऊपर आ गया तो फिर भी मैं गैरी को हरा सकता हूँ लगभग। तो देखिए मेरा रेटाटा क्विक अटैक भी सीख गया है, ये फेयरों के सामने तो आ जाएगा, इसलिए अब मैं चार्मेंडर का थोड़ा लेवल अप कर देता हूँ, क्योंकि वो 9वें लेवल पर आने ही वाला है, इसलिए अब उसे आगे कर देता हूँ मैं। तो ये देखिए ये रहा चार्मेंडर, इसको मैं स्विच करता हूँ फ्रंट पोकेमॉन के साथ। अब पहले बाहर चार्मेंडर निकलेगा, अब मैं उसका लेवल अप करता हूँ। वैसे तो ये 9वें लेवल का हो ही गया है, फिर भी मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। ये लेवल फिर कम है कि दोस्तों यहाँ पर आपकी जंगल में ये जंगली पोकेमोन को हरा के जो आप एक्सपी इकट्ठे करते हो, उसके अंदर से वो नीचे की ब्लू लाइन बढ़ती है, उसी के ऊपर से लेवल आपका होता है पोकेमोन का। तो अभी मैं पोकेमॉन सेंटर जाता हूँ, पोकेमॉन को रिवाइव करके अब मैं गैरी के पास लड़ाऊँगा। तो ये पोकेमॉन मैंने रिवाइव कर दिए, और यहाँ पर मैं आपको पीसीबी यूज़ करना सिखा दे रहा हूँ। आपको समन्स पीसी में जाना है, फिर मैं डायरेक्टली मूव पोकेमॉन करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर बहुत सारे बॉक्सेस भी आता है, किसी बॉक्स में भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पर फियरो को रख देता हूँ, क्योंकि मेरे पास पीजी है। दोस्तों फियरो लेवल 20 पे ही इन्वॉल्व हो जाता है, 20 या 21 पे, और पीजी 16वें लेवल पर पीजी वॉट बनता है, फिर 36वें लेवल के आसपास वो पीजी वॉट बनता है। तो दोस्तों अब मैं चलता हूँ यहाँ से सीधे गैरी के पास। यहाँ से मैं रूट के पास गया, और ये देखे गैरी आ गया है। अब मेरे उसके साथ बैटल करनी है। तो ये देखिए उसके पास 9वें लेवल का पीजी है। तो देख लीजिए मेरे 4 मिनट ने उसको हरा दिया है, लेकिन वो स्क्वाटल को नहीं हरा सकेगा, इसलिए मैं दूसरा पोकेमोन निकालता हूँ। वैसे तो लोग एक ज़्यादा असर नहीं कर रहे हैं, फिर भी स्क्रैच मार के देखता हूँ मैं। स्क्रैच में अच्छा डैमेज हो रहा है, इसलिए मैं स्क्रैच ही यूज़ करूँगा अब। तो ये देखिए मैंने 11 को हटा दिया है, मेरा मैंकी 8वें लेवल का हो गया है। और दोस्तों मैं दिखा देता हूँ ये रूट आपको इंडिगो प्लेटिनो के ऊपर कैसे ले जा सकती है। मैं 4 मेंढक को पीछे ला देता हूँ, क्योंकि मुझे बाकी पोकेमॉन का भी लेवल अप करना है। और मैंकी को थोड़ा नीचे ला देता हूँ, वो भी 8 लेवल का है। दोस्तों आपको इस वाले ग्रास के अंदर आपको ज़्यादा बड़े लेवल के पोकेमॉन्स मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा लेवल वाले ही मिल जाए। तो देखिए दोस्तों ये रहा इंडिगो प्लेटिनो, अगर आपके पास ब्याज है तो ये आप आगे जा सकते हैं यहाँ पर। ये देखिए ये सिक्योरिटी वाले ने मुझे वापस भगा दिया। तो अभी मैं चलता हूँ सीधे पोकेमॉन सेंटर के पास। तो दोस्तों आज के वीडियो बस इतने तक ही, कल के चैप्टर में दिखाऊंगा कि आप वरिडियम फॉरेस्ट कैसे पार कर सकते हैं और HM कैसे ले सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अब अगली वीडियो में, कल शाम 6 बजे के आसपास। तो ठीक है दोस्तों मैं चलता हूँ, प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना।